अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसके सूर्यवंशी राजा थे राजा दशरथ। उनकी तीन रानियां थी, रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके चार पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये हुई अयोध्या नगरी की बात। तो चलो अब देखते हैं मिथिला नगरी, जिसके राजा थे राजा जनक, जो अपनी रानी और चार पुत्रियों के साथ रहते थे। बेटियों के बड़े होने के बाद राजकुमारी सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें रावण के साथ कई राजाओं ने हिस्सा लिया था। यह सुनकर विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में ले गए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार शिवधनुष को प्रत्युंचा चढ़ाएगा, उसी से राजकुमारी सीता का विवाह संपन्न होगा। श्री राम शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं और राजकुमारी सीता का विवाह श्री राम से संपन्न होता है। विवाह पश्चात राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। मैं राजा दशरथ मेरे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तभी वहाँ मंसरा नाम की एक दासी आती है और जो रानी कैकेयी को कहती है, अरे कैकेयी, राम ही क्यों, तुम्हारा पुत्र भरत भी तो राजा बन सकता है ना। मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। रानी कैकेयी, मांगो, तुम क्या चाहती हो, समझो तुम्हें मिल गया। अयोध्या का राजा हमारा पुत्र भरत बने और राम को 14 वर्ष वनवास, ये है मेरे दो इच्छाएं। प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा का रूप लेकर आती है और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम के मना करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। उनके भी मना करने पर वह माता सीता को मारने जाती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने भाई रावण को भड़काती है और सीता का हरण करने कहती है। एक राक्षस स्वर्ण हिरण का रूप धारण करता है, जिसे देखकर माता सीता मोहित होती है और उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने उसके पीछे चले जाते हैं। जब राम जी को पता चलता है कि वह हिरण नहीं राक्षस है, तो वे उसका वध करते हैं। बहुत देर तक श्री राम नहीं लौटते हैं तो माता सीता लक्ष्मण को वन में श्री राम की मदद करने भेजती है। माता सीता, जब तक मैं वापस ना आऊं, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना, ये आपकी रक्षा करेगा।
लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु का वेश लेकर सीता माता से भिक्षा मांगने आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता साधु की बात मानकर रेखा से बाहर आती है। तभी रावण अपनी असली रूप में आकर माता सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है। तभी रास्ते में गिद्धराज जटायु उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और उनके युद्ध में जटायु जख्मी हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जटायु से मिलते हैं और उनके बताने पर वे दोनों दक्षिण दिशा की ओर निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक वानरों की सेना मिलती है, जिसमें एक बहुत ही अद्भुत वानर होता है, जिनका नाम होता है हनुमान, जो श्री राम के परम भक्त है। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर गए। और उन्होंने देखा कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका नामक एक वन में कैद कर रखा है। श्री राम को इस बात की खबर लगते ही वे अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु के निर्माण में लग जाते हैं। इसके बाद राम और रावण के सेना में भयंकर युद्ध होता है। श्री राम रावण की नाभि में तीर मारकर उनका वध कर देते हैं, जिसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं। सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाएगा।